हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम रश्म है और मैं आज आपके साथ अपनी डॉटर का डेली कैलेंडर शेयर करूंगी। शी इज़ 4 ईयर्स ओल्ड। जब वो अपने नोटबुक पर डेट लिखती थी और ये पूछती थी कि ये क्या है और हम इसे क्यों लिखते हैं, एट दैट टाइम आई डिसाइडेड टू मेक अ कैलेंडर फॉर हर। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने इस पर काफ़ी सर्च किया था एज सब लोग जैसे करते हैं, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं थी बिकॉज मैं उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपनी डॉटर को मंथ्स और डेज इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी सिखा सकूं और मंथ्स में आने वाले फेस्टिवल या स्पेशल डेज के बारे में भी बता सकूं, लाइक अदर इंडियन कैलेंडर्स। अगर आप भी अपने अकॉर्डिंग कैलेंडर को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अदरवाइज़ आप सिंपली डाउनलोड करके भी इस कैलेंडर को बना सकते हैं। जो भी मटेरियल मैं इसके लिए यूज़ करूँगी उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहेगा। सो ऑन दैट नोट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट स्टेप में मैंने सीज़न, वेदर, मूड, डेट, डेज, इन सब की स्लिप्स बना ली थी जो कि वाइट चार्ट पर बनाई हैं, और उसके बाद उनको कट कर लिया था। After that, वाइट पेपर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्केच पेन के साथ उसको हाईलाइट किया एंड कलर पेंसिल्स के साथ उसको कुछ डेकोरेटिव कर लिया बिकॉज कलर्स बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। इन स्लिप्स को मैंने प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसपेरेंट टेप को यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको लैमिनेट भी करा सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। वेदर, सीजन, इनके लिए रैंडम और थोड़ा कुछ शो करने के लिए कुछ ड्राइंग बनाई थी। आप स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हैं। डेट के लिए मैंने सिंपल सिंगल नंबर्स लिखे थे, आप अपने अकॉर्डिंग भी डेट्स लिख सकते हैं, 1 to 30 या 31। इनको भी टेप के साथ प्रोटेक्ट कर लिया है। ऐसे ही सीज़न और वेदर मेंशन किया है। सीरियसली टेलिंग, ये बहुत ईजी है टेप के साथ इन स्लिप्स को प्रोटेक्ट करना। डेज के लिए मैंने रैंडम पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट जस्ट टू अट्रैक्ट बटरफ्लाई है, क्लाउड्स हैं। ऐसे ही मंथ्स नेम लिख लिए हैं। डेज, सीजन, डेट,
वेदर, मूड। ये प्रिंट आउट मैंने बहुत पहले ले लिया था जब मैं अपनी बेटी को इमोशन सिखाना चाह रही थी। ये मैंने प्रिंट आउट लिया था किसी वेबसाइट से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। ये बॉय और गर्ल दोनों में प्रिंट मिल जाएंगे। उसको मैंने लैमिनेट करवा लिया था और फिर काफ़ी इजी था उसको सिखाना, बट मैंने इसको अपने डेली कैलेंडर में भी यूज़ किया है। चार्ट पर मैंने हेडिंग लिखकर उसको कट कर लिया था, बिकॉज सिंगल चार्ट पे सब मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, और फिर एक फ्रेश चार्ट के साथ उसको अटैच कर लिया है। देन उस चार्ट पेपर को मैंने कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर लिया था एक अच्छा बेस देने के लिए। नाउ द लास्ट स्टेप इज टू अरेंज ऑल द थिंग्स। इसके लिए मैंने ग्लिटर पेपर यूज़ किया है, ये ऑलरेडी घर पर था। अगर आपके पास ना हो तो आप सिंपल कलर्ड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज बिना पेपर के भी ये लगा सकते हैं, बट सीरियसली इट्स लुक्स वेरी कलरफुल। और लास्ट में मैंने ये वेलक्रो टेप है जो अमेज़ोन से ऑर्डर की थी, उसको अटैच कर लिया है स्लिप्स के लिए, ताकि वो इजीली अटैच और डिटैच हो सके। एंड द फाइनल रिजल्ट इज मेरी डॉटर डेली इसको अपडेट करना पसंद करती है, और उसको बहुत ही अच्छा लगता है, इतने कलर्स, इतना पिक्चर्स देख के वो मॉर्निंग में खुश हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।